शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतो सदाशिवम् प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् हर हर शङ्कर शिव शिव शङ्कर हर हर शङ्कर शिव शिव शङ्कर सोमेश्वर शिव महेश्वरा ओमेश्वर शिव महेश्वरा हर हर शङ्कर शिव शिव शङ्कर हर हर शङ्कर शिव शिव शङ्कर सोमेश्वर शिव महेश्वरा सोमेश्वर शिव महेश्वरा हर हर शङ्कर शिव शिव शङ्कर हर हर शङ्कर शिव शिव शङ्कर सोमेश्वर शिव महेश्वरा सोमेश्वर शिव महेश्वरा शङ्कर शिव शिव शङ्कर हर हर शङ्कर शिव शिव शङ्कर सोमेश्वर शिव महेश्वरा सोमेश्वर शिव सोमेश्वर शिव महेश्वरा हर हर शङ्कर शिव शिव शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर
विचार किया था। वैसे तो दर्शन शास्त्र में अनेकों वाद है, उनके प्रतिवाद है, पक्ष विपक्ष है। कहते हैं ये सारे दर्शन शास्त्र हमारे ही मनन के अनुसार, हमारे मन को और विस्तार से मनन के विषय बनाने के लिए तैयार हुए। जब एक साधक मोक्ष मार्ग में आगे चलता है, उसके जीवन में ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं, अनेक पड़ाव आते हैं, जहां रुक रुक कर विचार करता, तो उन विचारों को यदि एक साथ लेंगे तो वो जीवन का बड़ा मार्गदर्शक बनता है। जैसा कोई एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने जाता है, जाते चढ़ते कहीं थक जाता है तो कहीं रुकते हैं, और कहीं कोई पेड़ की छाया मिल जाती है, विश्राम मिलता है, कहीं अमृत पानी मिल जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर पे अलग अलग अनुभव होते हैं। किंतु जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है तो ये सारे अनुभव उनके जीवन के मार्गदर्शक जैसे होता है, और उसके अनुसार वो दूसरे को भी मार्गदर्शन करेंगे, ये उपदेश देंगे, ये समझाएंगे कि उस मार्ग पर जाने पर, उस पहाड़ी पर चढ़ने पर ऐसा ऐसा होता है। तो इसी नमूना से, इसी प्रकार से दर्शन शास्त्र बने हैं। तो पुष्पानंद आचार्य ने यहां नास्तिक दर्शनों पर कटाक्ष किया। आचार्य ने कहा कि भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के विभूति को, भगवान के महिमा को नहीं जानते हुए ये अभागा लोग इस सृष्टि को स्वयं ही बना हुआ समझते हैं, स्वयं ही प्रकट समझते हैं।
वे जड़ा धी है, बुद्धि ठीक नहीं, विचार करना नहीं आया, किंतु वाणी तो बहुत सुंदर बोलते, रमणीय वाणी बोलते, यानी सुनते वक्त अच्छी लगेगी लेकिन आगे कुछ उसका तात्पर्य नहीं होता। तो श्रवण मात्र में मधुर, श्रवण मात्र में अच्छी लगने वाली वाणी उनकी होती है और उसके द्वारा पूरी दुनिया को भ्रमित करते हैं। अब कोई अच्छा बोलता है तो सुनने को लोग बैठ जाते हैं, सुनते हैं। अब जैसे मैंने एक दृष्टांत दिया था, कॉमेडी आदि टीवी में आते हैं तो लोग घंटों तक सुनते रहते हैं, प्रयोजन कुछ नहीं होता, मनोरंजन होता है। जो बहुमूल्य समय है वो व्यतीत करते हैं, ये तो ठीक है, जिसके पास समय है ऐसा व्यतीत करने को वो तो टाइम पास कर सकते, लेकिन जो समय को महत्व देते हैं, अपने समय को सही प्रयोग में उपयोग में लाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय व्यतीत करना है। ऐसा ही नास्तिक लोग, चार्वाक लोग इस प्रकार की वाणी करते हैं, ऐसा ही उसको आगे बढ़ाते हैं। उनके और क्या क्या तर्क है उसको भी एक बार दर्शाते हैं पुष्पदंताचार्य, हाँ, पांचवा श्लोक में, किमेह किं कायस्य खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो दाता सृजति किमुपादानैति च अदर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हदधिय कुदर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत। कहते लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग दुनिया को भ्रम में डालते हैं और इनके तर्क सारे कुतर्क हैं। तो किम इहा किम काया सखलु किम उपाय त्रिभुवनम्, ये जो त्रिभुवन के त्रिभुवन को बनाने वाले भगवान के बारे में आप जो कहते हैं, आप ईश्वर के बारे में कहते हैं, उनके पास क्या इच्छा है, वो कैसे इच्छा करेंगे? इच्छा करने के लिए उनके पास मन तो है ना, इच्छा तो मन से होती, और जिसको शरीर होता है, जिसको प्राण होता है, उसको मन होता है। तो किमी हा, तो जगत की रचना में वो क्या चिंतन करें, किम काया, उनका क्या शरीर होता है, कैसे शरीर होता है? अब भगवान को तो मानते हैं लेकिन शरीर उसका क्या है, ऐसा नास्तिकों का पूछना, ये सब उनका तर्क है। और सखलु किम उपाया, जैसा कुछ भी बनाना हो उसके लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे मकान दुकान आदि कुछ भी हम बनाते हैं उसके लिए सामग्री की आवश्यकता, बिना सामग्री से कोई कुछ बना नहीं सकता। तो आपके भगवान के पास क्या सामग्री है, क्योंकि सामग्री तो सृष्टि के बाद में आएगी, अब सृष्टि हुई ही नहीं है। सृष्टि के पूर्व काल में सबका अभाव है, ऐसे स्थिति में कौन सी सामग्री हो सकती है? और सामग्री के बिना उनके सृष्टि के संबंध में कहना ठीक नहीं, इसलिए किम उपाय और किम आधार और किसको आधार बनाया, मान मेटीरियल, किस मेटीरियल से उन्होंने बनाया, बनाने के लिए मटेरियल का आवश्यकता है, औजार सामग्री की आवश्यकता, उपकरण चाहिए, ये सब उनके पास है। पहले तो शरीर ही नहीं है, शरीर के बिना क्या कर सकता, इसलिए नास्तिक कहते हैं कि भगवान 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 सृष्टि करता है इत्यादि आप बोलते रहते हो, लेकिन थोड़ा सोचो कि कैसे बनाते हो। तो किम आधार रहा,
कि वो उपादान है, उनके पास क्या उपादान है, क्या आधार है, किसको लेकर के ये सृजन करता है। सखलु किम उपाया सृजति किम काया सृजति, ऐसा संबंध करके बहुत सुंदर ढंग से सारे संकेत बता कहते हैं ये सब उनकी वाणी है, ये सब तर्क करते हैं, ऐसा लगता है ये तर्क है लेकिन ये कुतर्क है, ये कोई सही तर्क नहीं। अब जो कुछ भी बनता है उसके लिए सामग्री होना जरूरी है, या जो शरीर वाला है वही बना सकता है, ऐसा कहेंगे तो परिणाम सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाए। परिणाम सिद्धांत में जैसा हमने प्रातः काल में आपको बताया, दूध जैसा देवी के रूप में परिणत होता है उसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए, वो तो स्वयं ही परिणत होता है। दूध को रखो अपने स्थान पे और अपने आप परिणत होकर के देवी के रूप में बदल जाता। बहुत सारे ऐसे स्वतः परिणाम होते, जो वर्षा होती है वो भी एक परिणाम है, समुद्र में जल है वो बादल बन जाता है, उसके बाद घूमते फिरते हुए बारिश के रूप में आ जाता है, ये कौन बनाता है। इसलिए इनका जो तर्क है कि ये कहना कि शरीर के बिना सृष्टि नहीं हो सकती है, सामग्री के बिना सृष्टि नहीं हो सकती है, ये कुतर्क है कहा। और हे भगवान, आपका वास्तविक स्वरूप तो तर्कादीत है, अतर्क्य है आपका स्वरूप, तर्क से युक्ति से नहीं जाना जा सकता। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आया, ब्रह्मसूत्र तो ऐसे पूरे तर्क के ऊपर चलता है, युक्ति के ऊपर चलता, लेकिन एक सूत्र ऐसा है तर्क अप्रतिष्ठाना, कि देखिए युक्ति से तर्क से किसी वस्तु को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कारण क्या है कि आप एक तर्क आज करेंगे और कल कोई दूसरा आएगा दूसरा तर्क करेगा, उसी को पहले वाला तर्क को खंडन करेगा, उसके बाद तीसरा आएगा उसके बाद उसको भी खंडन करते जाएगा। जैसा आप साइंस के हिस्ट्री देखेंगे, साइंस का जो रेवोल्यूशन है उसको देखेंगे, तो अब 50 साल पहले जो था, 100 साल पहले जो था, और उसके 150 साल पहले जो था कुछ और ही था। अब वो बदल बदल करके आपके पास अब जो आप अध्ययन कर रहे हैं, आपके बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, इस प्रकार के साइंस की स्थिति में पहुंच गए। अब इसमें कोई ठिकाना तो है नहीं, ये फिर बदल सकता। ऐसे ही तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, और सारे तार्किकों को, सारे युक्तिवादियों को एकत्रित करके कोई निश्चय किया नहीं जा सकता। इसलिए आपका स्वरूप तो, भगवान का स्वरूप तो अतर्क्य है, तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो अतर्क्य ऐश्वर्य, आपके ऐश्वर्य के बारे में कोई तर्क कैसे कर सकता है। ऐसे आप में अनवसर दुष्टो हद धिया, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई है, ऐसे ये लोग, ये नास्तिक आपके ऊपर तर्क करते। और अनवसर दुष्ट, ये तर्क का कोई अवसर भी नहीं, कोई सही स्थान पे सही विषय को लेकर के तर्क नहीं कर। जो दृश्यमान नहीं है कारण वो दिखाई पड़े ऐसा बोले तो कैसे होगा। जैसे वायु दिखाई नहीं पड़ता है, तो वायु हो तो दिखाई पड़े ऐसे बोले तो कैसे होगा। वायु को अनुभव और प्रकार से कर सकता, स्पर्श के द्वारा वायु का अनुभव होता है, जब ठंडक का अनुभव होता है वायु का स्पर्श है, गर्म का अनुभव होता है वायु का स्पर्श है, फिर भी वायु को देख नहीं सकता। जो दृश्य नहीं है, जिसको देख नहीं सकता, जिसको कोई और प्रकार से अनुभव कर सकता है, उसको लेकर के तर्क करना ठीक नहीं है कि हो तो दिखाई पड़े,
भगवान हो तो दिखाई पड़े, देवता हो तो दिखाई पड़े, ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए एक प्रकार से नहीं जाना जा सकता है तो उसको दूसरे प्रकार से चिंतन करना पड़ता है। पानी में नमक को घोल देने के बाद, जैसे समुद्र के पानी है उसमें नमक है, लेकिन पानी को देखने से आपको नमक दिखाई नहीं पड़े, वो तो पानी दिखाई पड़ता है। किंतु पानी में नमक है उसको जानने के लिए आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि नमक का जो स्वरूप है वो टेस्ट में आ जाता है। अथवा पानी को बर्तन में बाहर धूप में रखे, सूर्य के ताप में रखे, जब पानी उड़ जाएगा, भाप बनकर के ऊपर जाएगा, तो नमक नीचे दिखाई पड़े, तो प्रकारांतर से उसको देख सकता है। तो भगवान को सामने आमने सामने देखने की इच्छा आपके अंदर यदि है तो उसके लिए साधन करना पड़े। साधन करें, अनुष्ठान करें, आप समाधि लगाएं तो आपको भगवान वैसे दिखाई पड़ेगा। अनेक संतों को ऐसा दिखाई पड़ा है, कोई तर्क से दिखाई पड़ने वाला नहीं। इसलिए कुदर्क इनका है और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। तो कांश्चिन मुखरे यदि मोहाय जगत, ऐसे बक बक करते रहते हैं। मुखरे यदि मन, बहुत आवाज करते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, तर्क करने वाला ऐसे बोलते और जगत को भ्रम में डालते हैं। कुछ लोग इनके पीछे जाते हैं और वो भ्रमित हो जाते हैं और उनको जीवन में कुछ प्राप्त करना नहीं होता, दुख की कोई सांत्वना नहीं होती, कोई आधार नहीं होता, ऐसे परेशान हो जाते। तो मोहित होकर के अपने से ही दूर चले जाते। भगवान से दूर जाने का अर्थ है आप अपने से ही दूर जा रहे, भगवान का निराकरण करने का अर्थ है आप इस सृष्टि को ही निराकरण करो। ये सृष्टि ही नहीं है ऐसा निराकरण, क्योंकि सृष्टि किसने बनाया, क्यों बना, इसके बारे में यदि कोई सोचे तो उनको भगवान को स्वीकार करना पड़ता। इसलिए पुष्पानंद आचार्य यहां कहते हैं कि इस प्रकार के उनके तर्क होते हैं, इस प्रकार आपका जो स्वरूप अतर्क के स्वरूप है, तर्क का विषय नहीं है, ऐसे तर्क का विषय नहीं है उसको ये मंद बुद्धि, ये हदप बुद्धि तर्क का विषय बना देते हैं, ऐसा लोग में दिखता है, इसके कारण लोग में बहुत भ्रम फैला हुआ। अब जो है इनका उत्तर करते हैं कि ऐसे कहने वाले को क्या उत्तर देना चाहिए, उनको क्या, अब वो तर्क करते हैं, उनको उत्तर में क्या आपको बोलना चाहिए, उसको अगले श्लोक में कहे। अजन्मानो लोका किम भयवंदो जगता मधिष्ठा तारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कप्परिकरो यदो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरतैमे। तो ये जो भगवान के अस्तित्व में संशय करते हैं, इमे संशेरते, ये संशय करते रहते, क्या उनको पूछना चाहिए। हे अमर वर, अमर का अर्थ देव है, देवों में श्रेष्ठ महेश्वर, हे अमर वर, ये संबोधन है श्लोक में। ये जो प्रपंच बना हुआ है ये अवयवों से बना हुआ है, अवयव यानी पार्टिकल्स, पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग भाग, और आजकल साइंस भी बताता है कि पार्टिकल से ही ये जगत बना हुआ है। हम पार्टिकल्स को अवयव बोलते हैं। अब कोई भी जगत में कोई भी वस्तु आप निकालिए, ये जो आपके सामने सृष्टि में दिख रहे, कोई भी वस्तु निकालिए, उसमें अलग अलग पार्ट्स मिले, अलग अलग अवयव मिलेगा। जैसे आपका शरीर देखिए, शरीर में कितने अवयव हैं,
ये सारे अवयवों को मिला करके आप शरीर करते हैं। अवयवों का अलग अलग नाम है और आजकल तो एक एक अवयव के लिए अलग अलग डॉक्टर भी है, एक्सपर्ट्स, एक एक अवयव के लिए अलग अलग। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर का बस का नहीं है पूरा अवयवों का पूरा स्टडी करना, इतना जटिल है मामला। तो सामान्य ज्ञान प्राप्त करके बाद में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक एक अवयवों की स्टडी करते। तो आप देखो, अब ये डॉक्टर तो ये शरीर को बनाया नहीं, डॉक्टर को तो शरीर बन बना हुआ मिला। अब वो जो मिला हुआ शरीर है उसको अध्ययन करके वो कैसे काम करता है, क्या इसमें बीमारी आते है, कैसे इसका निवारण होता है, इसको चिंतन करते करते एक जीवन ऐसे बीत जाता। तो इसको बनाने वाला कितने चिंतन किए हो, ये शरीर को आप बना के दिया है ना किसी ने, आप सोच रहे माता पिता बना के दिया, माता पिता बना के नहीं दिया, उनको पूछो तो वो कहते हैं कि वो तो बन गया ऐसा, हमने बनाया ना भगवान ने बना के, वो भी ऐसे कहते। यदि माता पिता के वश में होता स्वयं बनाने का, तब तो वो अपने मन के अनुरूप, अपने भाव के अनुरूप बच्चे को उत्पन्न करते, ऐसा संभव नहीं। कभी कभी माता पिता जैसे बच्चे को नहीं चाहता वैसा बच्चा उत्पन्न हो जाता। अब क्या करें, भगवान ने दिया है करके स्वीकार करते। इसका मतलब माता पिता तो केवल यंत्र है, माध्यम है, निमित्त है, वो निर्माण करने वाले नहीं है। माता पिता के द्वारा भगवान बनाते हैं, वो कुछ मेटीरियल उनके पास दिया हुआ, वो मेटीरियल को मिला करके वो बनाना होता। तो एक एक वस्तु को हम निकालेंगे तो उसमें अवयव दिखाई पड़ेगा। और हमारे यहां नियम बताया है, जो जो अवयववान है, जो जो वस्तु अवयवों से बने हुए हैं, उस वस्तु का कोई कारण होता है। कारण क्या है, जिसको अवयव बोलते हैं वही कारण होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वही तो कारण होता है। छोटे छोटे कण होते हैं, छोटा भी बड़ा हो अवयव कई प्रकार से हो सकता है, और करते करते आप एटम्स में पहुंचेंगे, पार्टिकल्स में पहुंचेंगे, मॉलिक्यूल्स में पहुंचेंगे, कुछ भी हो, जैसा भी आप बताओ, तो छोटे छोटे हैं वो, तो वो सब जुड़ करके एक वस्तु सामने दिखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जितने कुछ आपके सामने आकार से दिख रहे हैं वो सब पार्टिकल्स से बने हुए हैं, अवयवों से बने हुए हैं। तो उसका तत्व, दिखने वाला उस वस्तु का तत्व क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अब वो पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, अणु होते हैं, वो तो आपको दिखाई नहीं देगा, वो सब जुड़ने से वस्तु दिखाई देती, अब उसको अलग करो तो दिखाई नहीं देता। तो एटम्स को भी अलग करो तो दिखाई नहीं देता, परमाणु को अलग करो तो दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं ये जो अवयवों से बने हुए जो जगत है ना, ये जो प्रपंच, कारण से बना हुआ जो प्रपंच है, अजन्मानो लोगा किम अवयवंतोपि, ये अवयवान जगत भी बिना सृष्टि से बना क्या, माने सृष्टि के बिना, ये कोई बनाए बिना ये अपने आप बन गया, ये अवयव अपने आप जुड़े कैसे, जोड़ने वाला कौन होता, ये अपने आप कुछ नहीं जुड़ता। अब अपने आप जुड़ने के लिए अब दो पार्टिकल अलग अलग है, वो आपस में आकर के जुड़े और एक निश्चित आकार में जुड़े, ये कैसे पता चलता। अब जुड़ तो जाएगा, समझ लो कैसा भी जुड़ गया, हवा के द्वारा, दूसरे के द्वारा कुछ जुड़ गया, लेकिन एक निश्चित आकार में एक लक्ष्य बना करके जुड़ने के लिए उस पार्टिकल के पास क्या इंफॉर्मेशन है, वो कैसे जुड़ता। यदि आप इंफॉर्मेशन, मतलब उसके अंदर कोई ज्ञान दिया हुआ है कि इस प्रकार से जुड़ना चाहिए, जैसा आप इस भवन को बनाते हैं तो एक एक पिलर लगाते समय वो भाव में रहता है, उसके मन में रहता है, इंजीनियर के मन में, आर्किटेक्ट के मन में, कि ये ऐसा इसको तैयार करना, तब एक एक पिलर लगाते।
तो जोड़ने के पहले ज्ञान चाहिए, तो बिना ज्ञान से कुछ जुड़ता नहीं, और जुड़ेगा तो भी आधार नहीं बनेगा। तो निश्चित आधार के लिए कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जैसे मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होता, ऐसा नहीं कि मनुष्य से कभी बंदर उत्पन्न हो गया, कभी कोई पशु उत्पन्न हो गया, कहीं कुछ उत्पन्न हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और उसके लिए हम क्या कहते हैं, नहीं, मनुष्य के पास एक एक के पास डीएनए रहता है, और डीएनए से वो ऐसे ही रूप में उत्पन्न होता है। उस डीएनए को ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डीएनए जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन होता है, और क्या उस तत्व को वैसे बनाने का, और उस इंफॉर्मेशन को हम ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान को ही हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। इस प्रकार जहां तहां भी कई वस्तु जुड़ता है तो वो ज्ञान से जुड़ता है, ज्ञान उसके पास रहता है, और उसमें जो ज्ञान प्रकट होता है किसी में, किसी में प्रकट नहीं होता। तो ये जुड़ा हुआ है तो उसके पीछे कारण है, उस कारण तत्व को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो प्रकट होता है नहीं प्रकट होता, जैसा मकान में ज्ञान प्रकट नहीं होता है क्योंकि मकान के पास दिमाग नहीं, मन नहीं। जिसमें मन होगा उसमें ज्ञान प्रकट होगा, और जिसमें मन नहीं है ज्ञान प्रकट नहीं होगा, लेकिन ज्ञान रहता है। ऐसे वेदांत में मानते हैं। इसीलिए अजन्मानो लोगा किमवयवंतो जगदाम अधिष्ठारम, इस जगत के अधिष्ठाता के रूप में, कर्ता के रूप में किसी को माने बिना इस प्रकार अवयवों को जोड़ने वाला कौन होता है? एक सुनार सोने से आभूषण बनाता है, उसके मन में ये ध्यान रहता है कि किस प्रकार आभूषण बनाना है, वो पहले डिजाइन करता है और डिजाइन के अनुसार उसको जोड़ता है, बनाता है। आपको ये बाहर का प्रपंच देकर के डिजाइन किया हुआ नहीं लग रहा है क्या? कितने बढ़िया डिजाइन किया हुआ, ऐसे ऐसे सुंदर डिजाइन है, आप देखते रह जाएं। आप जंगलों की तरफ जाइए, पहाड़ों की तरफ जाइए, कितने सुंदर डिजाइन किया। तो ये डिजाइन कोई अपने आप मिट्टी पत्थर तो नहीं कर सकता, उसका कोई डिजाइनर होता है, कोई आर्किटेक्ट होता है, ऐसा हम मानते हैं। उनका शरीर नहीं है, ये नहीं सोचना आर्किटेक्ट बोले तो कोई शरीर ही है, ऐसा नहीं है, बिना शरीर से करता है। सबको अपने अपने स्थान में खड़ा करके कार्य को चला रहा। यदि सूर्य और पृथ्वी में थोड़ा और गैप बढ़ता घटता होता तो क्या होता? यदि भूमि और सूर्य के पास होते तो भूमि नष्ट होती, यहां जीव जंतु नहीं हो पाते क्योंकि गर्मी से सब खत्म हो जाए। और सूर्य से और दूर में होता, दूर में यदि पृथ्वी धरती और दूर में होती तो उसमें ठंडक से बर्फ से वहां कोई जीव नहीं होता। तो बिल्कुल एक स्थान में रखा है जहां पृथ्वी को रखना चाहिए वहां रखा, और वहां जीव जंतु है, वहां सब क्रियाएं होती। ऐसे चंद्रमा के बारे में एक एक को आप सोचिए, अद्भुत हिसाब किला आपके सोच में नहीं आ सकता। इतना सब कुछ व्यवस्थित बनाया और आप बोल रहे हैं ऐसा कोई है नहीं, ऐसे कोई ज्ञान है नहीं, ऐसे कोई तत्व ही नहीं है जो बनाने वाला। आप अपने शरीर की संरचना देखेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या क्या होता है। ये कुछ भी कार्य आपके जानकारी के अनुसार नहीं हो रहे। तो इसलिए चलाने वाला कोई अधिष्ठाता है, और ये भावविधि, ये जगत की जो सुंदर संरचना है, इसको अनादृत्य, इसको आदर नहीं देते हुए, इसको नहीं मानते हुए आप ये कहेंगे कोई बनाने वाला है ही नहीं, तो व्यर्थ कथन है, उसका कोई तात्पर्य नहीं, आप सिद्ध नहीं कर सकते। और ये लोग बोलते हैं सब प्राकृतिक होता है, अपने आप होता है। अरे भाई ये प्रकृति क्या है? नेचर, नेचर बोलते हैं, नेचुरली होता है। ये नेचुरली मैंने क्या होता है? अब नेचुरली होना है तो भोजन भी अपने आप बनना चाहिए था, फिर अपने आप सब कुछ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा। मकान क्यों नेचुरली नहीं बनता? आपको बनाना पड़ता है। तो कुछ नेचुरली होता है, कुछ अननेचुरली होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोई तर्क नहीं है आपके पास। यदि ये भवन को बनाने वाला कोई है
तो ये जगत रूप भवन को भी बनाने वाला कोई है, कोई अधिष्ठाता है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा उनको उत्तर देना है। संक्षेप में उत्तर बताए। अब कहते हैं कि ये आपने भगवद गीता में भी पढ़ा होगा, भगवद गीता में 16वां अध्याय में देवासुर संबंध विभाग योग है, उसमें नास्तिकों के बारे में कहा, असत्यम प्रतिष्ठम दे जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संबोधम किमन्यत काम हेतुकम। कहते ये सारे सृजन जो है ना, ये जीवात्मा ही करते, वो स्त्री पुरुष परस्पर मिल जाते हैं और उसी से संतान की उत्पत्ति होती है, जैसा होते हैं इसी प्रकार सब मिलकर के कुछ लोग बढ़ाते रहते हैं। इसका इसकी कोई सत्य प्रतिष्ठा नहीं, कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई नहीं, ऐसा कहते हैं। ये उनके पक्ष में बताया नास्तिकों। कहते हैं जीव बनाया क्या इसको, जो कथम जीव कुरिया अनीशा, ये ईश्वर नहीं है जीव, ये परिच्छिन्न है, वो ऐसा जीव है, ये जो जीवात्मा है ना, ये अपने शरीर को भी नहीं संभाल सकता और अपने शरीर में भी एक भी बदलाव नहीं ला सकता। सभी जीवात्मा चाहते हैं कि वृद्ध हो तो बुढ़ा ना हो, और बुढ़ा हो भी जाए तो बाल तभी सफेद ना हो, ये सभी चाहते हैं, लेकिन सफेद हो जाता इसको रोक नहीं पाते, फिर उसमें रंग लगा करके काला करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम काला रखना चाहते हैं, जीवात्मा चाहते हैं बाल काला रहे, लेकिन वो होता नहीं, उसके लिए कितने सारे उपाय प्रयोग करते, कितने पैसे खर्च कर, कोई कोई पूरा निकाल करके दूसरा विग लगा देते, क्यों, क्योंकि जीवात्मा के हाथ में कुछ नहीं। अब वो अपने शरीर जो जन्मजात अपने लेकर जा रहा है, अपने बहुत बड़े जो है संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति है और बहुत कुछ उससे करते धरते हैं, तो उस शरीर को भी संभाल नहीं सकता, ऐसे जीवात्मा सारे जीवात्मा मिलकर के जगत को बनाए। अरे जगत को छोड़ो, एक मिट्टी का एक ढेला को भी नहीं बना सकते आप, आटे से रोटी तो बना सकते लेकिन आटा आप बना सकते क्या? हाँ, अब बोलेंगे बोले ये आटा तो हम बनाते, हम गेहूं उगाते हैं और उसके बाद गेहूं से आटा बनाते हैं, तो गेहूं तो ठीक है, गेहूं तो उगाने के लिए आप क्या करते हैं, गेहूं को बोते हैं और उसके बाद खेती तैयार करते हैं, लेकिन गेहूं को कौन बनाता, गेहूं को आप नहीं बनाते, गेहूं का एक कण भी आप नहीं बना सकते। तो आप इतना कर सकता है, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह में डाल सकता है, दूसरे जगह से उठा करके तीसरे जगह में डाल सकता है, ये आप कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ बना नहीं सकता। तो गेहूं को बोकर बोते हैं, बोने के बाद में आप घर आके बैठ जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद जाते हैं तो फिर काट करके लाते हैं, और ये 6 महीने में गेहूं को कौन तैयार करता है ये आपको पता है। तो ये जो मिट्टी है वो गेहूं को तैयार करके ऊपर ला करके वो बीज को तैयार करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो करने के बाद में आपको प्राप्त हो जाता है, आप वो ला करके घर में रखते रख करके बोलते हैं कि मैंने कमाया, मैंने लाया। अरे भाई क्या लाया आपने, एक लिया एक जगह से उठा करके दूसरे जगह में रख दिया, दूसरे जगह को उठा कर तीसरे जगह में, ये आप करते हैं, आप कुछ ला नहीं सकते। जैसा पैसा कमाना होता है वो क्या होता है, कोई दूसरे के हाथ में पैसा था नोट, उसको कैसे भी गोलमाल करके अपने पास लाता है, अब उस दिन अपने पास रखता है और बात दूसरे के हाथ में दे देता, इसके बीच में सारा व्यवहार चल रहा। ये बनाना कुछ नहीं, बना नहीं सकते, मटेरियल को बनाने की क्षमता सामर्थ्य जीव में नहीं है, क्योंकि ये अनिश्चय है। अनिश्चय कथम भुवन जनने कुर्याद, ये भुवन को, तीन भुवन को कैसे ये जीवात्मा बना सकते, बोलने से थोड़ी होता। कह परिकर, इस जीवात्मा के पास क्या सहायता, सहायता के लिए कौन है, इनके पास कोई नहीं है, कोई सहायता नहीं, कोई नहीं। अब वो उसके कर्म के अनुसार कहीं जन्म लेता है और जन्म के बाद में जो कुछ उसको प्राप्त होता है उसी के द्वारा अपने जीवन को चलाते रहते हैं, और उससे अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सकता है, वो पूर्णतः कर्म के वश में,
वो विवश होकर के कार्य करता है, इसलिए वो अनीश्वर है। यदो मंदास्तम प्रत्यवरारा संशेर दैने, ऐसा होने पर भी ये लोग, ये नास्तिक लोग ऐसी शंका करते रहते हैं, ऐसी आपत्तियां करते रहते हैं जो इनको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। ये सारे पक्षी जो बताया है ये शिव पुराण के वायवीय संहिता के 26वां अध्याय का अंश है, वांग का सारांश है। अब आगे अन्य अन्य दर्शनों के बारे में कहते, हमारे यहां 6 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन ऐसा सब माना है। तो सांख्य योग वैशेषिक नैयायिक मीमांसक वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन है, और चार्वाक बुद्ध मत के 4 विभाग और जैन मत को नास्तिक बोलते, माने बुद्ध मत का 4 विभाग है और जैन और चार्वाक इनको नास्तिक बोलते, ये वेद को नहीं मानते। नास्तिक अर्थ ये आध्यात्मिक नहीं है, ऐसी बात नहीं, आध्यात्मिक है ये, लेकिन वेद को नहीं मानते। चार्वाक तो आध्यात्मिक भी नहीं, चार्वाक तो केवल शरीर को मानते और आत्मा को भी अलग से नहीं मानते। अब इनके पक्ष विचार करते हुए एक ही तत्व को अलग अलग भाव में प्रकट करते हैं, जैसा अभी हमने कहा कि तत्व एक है, सामने अलग अलग दृष्टि से उसको देखते हैं और अलग अलग विचार करते हैं। उसको लेकर के आगे की स्तुति है, त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमतपथ्यमिति च ऋजीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामार्णवैव। पुष्पदंदाचार्य कहते हैं कि त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति, अनेक प्रकार के विभिन्न मत है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऐसे ऋग्वेद में एक वाक्य है। एक ही तत्व को अनेक प्रकार से कहते रहते, कहने के प्रकार अनेक है, तत्व एक है। तो त्रयी, 3 वेद हमारे पास है, 3 वेद को मुख्य मान करके, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को मुख्य मान करके त्रयी कहते, वैसे तो 4 वेद है लेकिन 3 को मुख्य मानते। फिर सांख्य योग जो कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत है, और प्रकृति पुरुष 2 तत्व उनके मुख्य तत्व है और 25 तत्वों को मानते हैं, इस प्रकार सांख्य की प्रक्रिया है। और योग शास्त्र पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि महर्षि के द्वारा प्रणीत योग शास्त्र है, बहुत प्रसिद्ध है अभी, तो उनके पक्ष। और पशुपति मतम, पार्श्वपद मत, पशुपति को ही भगवान मानने वाले कुछ वादी रहे हैं, शैव शिव को ही मानते और किसी को नहीं मानते। अभी भी दक्षिण में कर्नाटक आंध्र तमिलनाडु आदि देशों में ये शैव सिद्धांत है, कट्टर शैव होते हैं। तो विष्णु मंदिर में नहीं जाते हैं, शिव मंदिर में ही जाते हैं, प्रातः काल शिव अर्चना करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ऐसे सब उनका बहुत कड़ा नियम है। ऐसे पाशुपत मत, पशुपति भगवान को ही मानने वाले। और वैष्णव निधि, कुछ लोग तो विष्णु को ही मानते, विष्णु भगवान को मानते, वैष्णव संप्रदाय तो आप सुने हैं बहुत, विष्णु को भगवान मानने वाले। अब इसमें भी इतने कट्टरवादी है कि शिव के मंदिर में तो जाते नहीं है, एक बात अलग है, और कोई शिव भक्त सामने दिखा भी पड़ा तो जाकर के स्नान करते, और कोई जैसा हम विभूति लगाया है ऐसे विभूति लगा करके कोई दिखाई पड़ेगा तो बोलते हैं अब वो अशुद्ध हो गया, हमको स्नान करना पड़ेगा। इतने कट्टर थे, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया धीरे धीरे, लेकिन बहुत पहले बहुत ऐसे थे। तो ऐसे विष्णु भक्तों को मानने वाले। और भगवान तो आप भागवत में देखिए, शिव पुराण में देखिए, कहीं भी देखिए,
वहां पुराणों में तो ये लिखा है जो विष्णु भक्त होते हुए शिव भक्तों को निंदा करता है वो तो नरक में जाएगा, वो हमारे प्रिय नहीं होते। और शिव पुराण में विष्णु भगवान के बारे में स्तुति लिखे हैं और विष्णु पुराण में भागवत आदि में शिव के बारे में भी लिखे, वैसा तो वहां तो कोई भेद नहीं। लेकिन यहाँ आकर के जैसे आजकल राजनीतिक पार्टियां होती है तो अलग अलग पार्टियां हैं, उनको लड़ना है, अब लड़ने के लिए अलग अलग पक्ष बना देते हैं और पक्ष विपक्ष करके लड़ते रहते हैं। ऐसे इन्होंने पक्ष विपक्ष बना दिया, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसे वैष्णव प्रभिन्न प्रस्थान परम इधम अदम पथ्य विधि चा, वो क्या कहते हैं, अलग अलग प्रस्थान बनाया, अलग अलग मार्ग बनाया और कहते हैं ये हमारा मार्ग ठीक है, हमारे मार्ग पथ्य है, पथ्य माने सबसे सरल है, सबसे अच्छा है, आप हमारे मार्ग में आइए तो आपको मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा और शिवलोक मिलेगा, ऐसा कहते ये ठीक है वो ठीक है, ऐसा करके दोनों में लड़ाई अपने अपने लोगों को लोकांतर को बना कर रखे। बोलते हैं हमारे गोलोक कुछ अलग है और वैष्णव लोग विष्णु लोग अलग है, वैकुंठ अलग है, ऐसे ऐसे अपने विचार करते रहते हैं। तो परम इदम अदम पथ्य विधि चा, यह ठीक है वह ठीक है इत्यादि कहते हैं। आपको सुनने से लगता पता नहीं चलेगा कि कौन सा अच्छा है, तो ये हजारों सालों से ये कंफ्यूजन हमारे भारत में चलता है। ये कंफ्यूजन को लोग प्रयोग किया क्या और कंफ्यूजन बनाने की प्रयत्न किया, कभी भी हिंदू धर्म को एक होने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक ये विभिन्न रहेंगे, इनको बिगाड़ करके रखेंगे तब तक हमको फायदा है। यदि एक हो गया किसी हालत में फिर इनको रोकना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो सारे फिर ज्ञानी है, वाले से जन्म से ज्ञानी होते हैं। अब हमारे हिंदू धर्म में उपदेश करना नहीं जानता है ऐसा कोई है क्या? सब लोग उपदेश करना जानता है, सब गुरु होते हैं। अब आप घरों में देखिए सब उपदेश करते हैं कि नहीं करते, छोटे बच्चे भी थोड़ा बड़ा होने के बाद बोलना शुरू करता है तो उपदेश शुरू करता है। तो ये हमारी परंपरा है, हम सबको उपदेश दे सकते, इतना ज्ञान है हमारे पास। इसीलिए ये क्या कहते हैं, ये क्या सोचते हैं कि इनको अलग अलग रखना चाहिए, हमेशा इनके बीच में विवाद होते रहे तो काम चलेगा। राजनीति लोग सब ये करते रहते हैं, तो पहले भी था पुष्पदंत आचार्य उसी को कह रहे। अब ये सब क्यों हुआ, बोलते रुचि नाम वैचित्र्यात्, ये अलग अलग रुचि है, अलग अलग भाव है, किसी को कोई अच्छा लगता है किसी को कोई अच्छा लगता है, इसमें क्या विवाद है? आपको विष्णु भगवान अच्छे लगते हैं तो आप पूजा करिए, शिव अच्छे लगते हैं आप पूजा करिए, देवी अच्छे लगते हैं पूजा करिए, गणेश जी अच्छे लगते हैं पूजा करिए, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं। हम सारे भगवान को एक परिवार में बिठा देते, हम पंच देवताओं की उपासना करते, बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां विष्णु भगवान के भी शिव भगवान के भी मंदिर दोनों साथ साथ में, देवी के मंदिर में गणेश जी का मंदिर, हरिहर मंदिर, और शंकराचार्य भगवान ने तो अनेकों ऐसे मंदिर के निर्माण किए और उन्होंने स्तोत्रों की भी रचना की, हरि और हर को दोनों मिलाकर के स्तोत्र बनाए। जैसे मैंने कहा था मधुसूदन सरस्वती जी शिव मन स्तोत्र को विष्णु पक्ष में भी व्याख्या की, इसके विष्णु पक्ष में भी इसका प्रयोग हो सके। ऐसे कार्य इसलिए किए कि विवाद को समाप्त करने के, एक तत्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सब में एक है, एक ही सृष्टि करता है, एक ही कारण है, एक ही कारण से ये सब कुछ सृष्ट है, ऐसा आपके मन में बिठाने के लिए हमारे पूज्य आचार्यों ने ये प्रयत्न किया, सबको इंटीग्रेट करने के, सबको जोड़ने के, तो वही सत्य है। तो ये अलग अलग क्यों है, रुचि न वैचित्र्यात्, हम विवाद नहीं करते, क्यों विवाद करना, क्यों झगड़ा करने का क्या मतलब, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो ना, उसको कोई रोक नहीं रहा है। इसलिए रुचि अलग अलग वैचित्र्य होने से, रुचि कुटिला नाना पथ निशा, किसी के रास्ता सीधा है, किसी के किस कोई रास्ता टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे योग मार्ग में बहुत सारे अभ्यास करना पड़ता है, शीर्षासन में खड़ा रहना पड़ता है और मुद्राएं करनी पड़ती है, क्रियाएं करनी पड़ती है, बहुत कठिन प्रयत्न होता है। अब बाकी तो भगवान के सामने बैठ करके भजन करो,
सत्संग नाम जप करो, माला जप करो, पूजा करो तो बहुत सरल है। अब वो ज्यादा उसमें प्रयत्न नहीं होता। ध्यान करो सरल है, जप करो सरल है। अब जप करने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती, आप जब अपने आप करते हैं। तो इस प्रकार से कोई मार्ग सरल दिखता है, कोई मार्ग कठिन दिखता है, कोई मार्ग टेढ़ा दिखता है, कोई मार्ग सीधा दिखता है, ये सब भेद है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ये सब मिलके पहुंचते कहां? बोलते हो ब्रह्म के पास, एक ही के पास पहुंचते। नृणामे को गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णवैव। जैसे नदियां अलग अलग स्थानों से जाकर के समुद्र में मिलकर के एक हो जाती है, ऐसे ही ये अलग अलग मार्ग में जाते जाते उस परमात्मा में जाकर एक हो जाते हैं। वो परमात्मा के ही रूप है, परमात्मा के ही अनेक भाव में देवताओं का वर्णन किया है। परमात्मा से अलग कुछ भी कभी दिखाई नहीं देगा। जब नदियां जाके समुद्र में मिल जाती है, जैसे गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, सिंधु है, ये मिलने के बाद में वहां उनका अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, अलग पहचान नहीं होता। कि समुद्र में मिलने के बाद गंगा ये कहेगी कि मैं गंगा हूं? नहीं, वो गंगा यमुना आदि नाम रूपे विहाया सुनी करती, नाम रूपों को छोड़ करके वो जल रूप से एक हो जाती है। और एक होने के बाद में फिर सूर्य ताप से ऊपर बादल बन करके वर्षा के रूप में फिर आ जाती, फिर गंगा यमुना के रूप में फिर यहां से बह करके वहां जाती। ये चक्कर में ऐसा चलता रहता है, यहां से वहां जाना, वहां से ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ये होता है। ये रिसाइकलिंग सिस्टम है पूरा। और भगवान ने जो कुछ बनाया ना, मैं अभी हम लोग कह रहे थे भगवान की सृष्टि के बारे में, भगवान ने जो कुछ बनाया सब रिसाइकलिंग सिस्टम में बनाया। और आजकल मनुष्य जो कुछ बना रहे, क्योंकि मनुष्य क्या है, केवल अपना स्वार्थ को देखता, वो आगे पीछे का नहीं देखता, इसलिए वो जो कुछ बनाता है वो रिसाइकलिंग नहीं हो पाता। यदि होता भी तो बहुत देर से होता, क्योंकि उसको पता नहीं है। अब आपका शरीर देखिए, आपका शरीर पंचभूतों से बना, मिट्टी आदि तत्वों से बना, इसका मतलब आप जो खाते हैं, पीते हैं, जल पीते हैं, अन्न खाते हैं, ये सब मिट्टी से बना हुआ है। जल तो अलग है और अन्न तो मिट्टी है, और उसी से ये शरीर बना हुआ। और बाद में ये कहां जाता है? मिट्टी में जाता है, उसको जलाए, जला के बाद राख हो जाता, राख होने से मिट्टी में जाता। अब फिर वो मिट्टी बन करके रहता है, फिर उसी से ही फिर पौधे होते हैं, फिर वो खाना होता है, ये भी पूरा रिसाइकल। ऐसा भगवान के सिस्टम में नाम रूपों का कोई महत्व नहीं। नाम रूप केवल तात्कालिक दृश्यमान है। आपको कोई कर्तव्य दिया है, आप उस कर्तव्य को पालन करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और उसके बाद फिर वो आत्मा में जाकर के मिल जाते हैं। तो अब कहते हैं कि ये इस तत्व को, उस एकात्म तत्व को, नृणाम एको गम्यः, इस भाव को जो जानता है वो विषय सुखों से मुक्त हो जाता है। और आप भगवान, शंकर भगवान को कह रहे हैं कि आपके पास भी ऐसा है, आप ये तत्व को जानने वाले, आप तत्व के स्वरूप है, तो आपके पास भी कोई सामान नहीं, कोई सामग्री नहीं, आप तो बिल्कुल विरक्त हो। महोक्ष घट्वांगं परशुरजिनं भस्मभणिन कपालं चेतियत्तव वरदतंद्रोपकरणं सुरास्तां ताम्रद्धिं दधति दुभवद्भ्रूप्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमृकतृष्णा भ्रमयति। बहुत सुंदर श्लोक बना। भगवान आपके पास जो जो सामग्री है, हम उसको ये अभी साकार भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। आप भगवान के रूप में शिव जी को साकार के रूप में जब देखते हैं, तो कहते हैं आपके पास जो ना एक महोक्ष है, एक माइल है, नंदी के रूप में एक माइल है। क्या क्या है उनके पास सब?
इन्वेंटरी बना रहे, क्या क्या है कहा भगवान की, एक तो महल है, दूसरा एक है खड्गवांगम है। खड्गवांगम एक शस्त्र होता है, जैसे खाट होते हैं, खाट के पहिए जैसे लंबे लकड़ी के बनाए हुए होते हैं, पिटाई के लिए होता है, खड्गवांगम उसका नाम है। वो एक आपके पास है शस्त्र के रूप, एक आपके पास परशु है, परशु एक है, परशु तो आप जानते हो कुलाड़ी, और बैठने के लिए एक आजिनम, बैठने के लिए एक चर्मासन है आपके पास, और भस्म, शरीर में कोई पाउडर पाउडर नहीं लगाता, वो विभूति लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, और वो फ्री में मिल जाता है, जहां भी लकड़ी जलती है हवन होता है तो भस्म मिल जाता है, तो आप भस्म लगाते हैं। और फिर आभूषण के रूप में आपने क्या रखा, फणिना, सांबो को रखा, वैसे पैसा खर्च करके सोने का चांदी का आभूषण नहीं रखा आपने, ये सांबो को रखा। और खाने के लिए कपालम, एक कपाल आपके पास है जो खाने के बर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सब इतने ही सब आपके पास है, इति तावा वरद तंत्रोपकरणम, ये सब ही आपके पास सामग्री है, इतने सब सामान आपके पास। और ऐसा होते हुए भी दिखता है बहुत दरिद्र है, कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है ऐसा दिखता है। अब विरक्तों को देखने से ऐसे दिखता है, वो कपड़े भी नहीं पहनते ठीक से, अब सोचेंगे ये कैसे है। और विदेश में लोग कहते हैं कि भारत के लोग क्योंकि ना बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो भारत के लोग जिनको आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वे तो ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते। ऐसे जो कवीन बहन के बैठते हैं, ये कपड़े में रहते हैं, उनको बहुत पूजा करते हैं, उनको दक्षिणा चढ़ाते हैं, ऐसे हैं, वो करना क्या चाहे, जो सूट कोट सूट पहन करके जो बढ़िया गाड़ी में सब घूमे उनको पूजा करने चाहिए था, जो बड़े होते हैं तब क्या है, दूसरे भी उसको इसी प्रकार बड़े होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये तो नंगे नरंगे को पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान भी ऐसा है। इसीलिए शिव जी के पास जो जो है सब बता दिया, यात्रा करने के लिए एक माइल है गाड़ी नहीं एक माइल है, और घटकोंग है अस्त्र के रूप में, परशु है, ये अपने सब काम की बातें जो भी है, ये तंत्रोपकरण यही उनके पास घर में सामग्री है, अपनी सामग्री समझ कर। कि जो देवता लोग हैं इंद्रादि देव, वे पुण्यात्मा हैं, और सूर्य शब्द से इंद्रादि देवों को भी ले सकते हैं, और जीवात्मा होंगे जो पुण्यात्मा जीवात्मा है उनको भी दे सकते, तो ये सभी क्या करते हैं कि आपके एक कर्णाक्ष की प्रतीक्षा करते हैं, आपके एक दिव्य दर्शन हो जाए, भवत भ्रू प्रणिहिताम, आपके कृपा के कटाक्ष के दिए हुए ऐसा मान करके ये पूर्ण उनके जो संपत्ति है, वो उनके जो जो कुछ उनके पास है वो सब आपके कृपा के मानते, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करते, किंतु आपके पास कुछ नहीं। हम भगवान को जाकर के पूछेंगे कि आप ये दे दो वो दे दो, अब जिसको पूछेंगे उसके पास तो होना चाहिए ना, होगा तो तब देगा। अब जिसके पास हजार रुपया भी नहीं है उनको, उनके पास जाकर के आप लाख पूछेंगे तो कैसे मिलेगा। अब बोलते हैं आप तो ऐसे भगवान है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये देवता लोग पुण्यात्मा मनुष्य सभी आपके पास पूछने के लिए आते हैं, आप सबको सब कुछ दे देते, आप सर्व ऐश्वर्य के स्रोत है। तो ताम रिद्धिम दधि दो भवत् प्रणिहिताम, आप एक अपने दृष्टिपात से आशीर्वाद से सबको सब कुछ दे देते हैं। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, पूछते हैं तो फिर आप अपने पास क्यों नहीं रखा। लोग पूछते हैं ये भगवान ये सामान सामग्री क्यों नहीं रखते, दूसरे को देते थे। बोलते हैं स्वात्मा रामम, जो अपने में ही रमण करता है, आत्मा का ज्ञान जो प्राप्त किया उसको विषय मृग तृष्णा न भ्रमयति, विषय मृग तृष्णा भ्रमित नहीं करती, वो विषयों के आसक्ति में नहीं रहती। और जो
अपने मन को शांत रखना जानता है। अब उसको देखो, वो तो बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करता। अब भगवान शिव जी का रूप तो ऐसे ही है। हमारे पास यही एक ऐसा भगवान है जो स्वयं भगवान होते हुए, स्वयं गृहस्थ होते हुए, बहुत बड़ा गृहस्थ है, ऐसे गृहस्थ होते हुए स्वयं विरक्त भी है। तो गृहस्थों को कैसे विरक्त होना है, ये भगवान शिव जी से सीखना चाहिए। गृहस्थ लोग कहते हैं गृहस्थ भी रह करके विरक्ति नहीं होता से। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पार्वती जी बहुत परेशान हो गए, ये भगवान की विरक्ति को देख करके। अब रोज जो है अभी भिक्षा लाना पड़ता, वो तो उनके पास कोई संपत्ति ऐसा तो है नहीं, अन्नादि तो भिक्षा करके लाना, और बच्चों को पालने के लिए गणेश जी है, कार्तिकेय है, इन बच्चों को पालने के लिए सब खाने पीने की व्यवस्था करनी है, और लोगों से मांग मांग करके लाना पड़ता है। बहुत साल चला करके परेशान हो गए, बोले कि आपकी तपस्या बंद करो, ये तपस्या से कोई प्रयोजन नहीं है, तपस्या करना ही तो फिर ग्रस्त क्यों बना था, अब आपको अहम बंद करके बैठना है, वो मजा आता है तो आप उसी में बैठना चाहिए था, ये ग्रस्थी में नहीं जाना चाहिए था। अब शादी हो गई, ग्रस्त हो गया, तो ये जो ध्यान का चक्कर नहीं चलेगा, आप जाके खेती करिए और कुछ दान धन तैयार करिए, ये मैं भिक्षा लेकर लेकर के थक गई। अब कितने बार किसी के घर में जाके, किसी के पास कितने बार जाके पूछा, ऐसा करके कवि ने एक सुंदर श्लोक बनाया। तो अब जब पार्वती जी ऐसे करती है तो शिव जी कहता है भाई हम खेती करेंगे तो भी कैसे करेंगे, हमारे पास खेती करने के लिए तो सामग्री नहीं है, न खेत है, न बीज है, न बैल है, हम कैसे करेंगे इसको, तो खेती करने के लिए सब सामग्री चाहिए। तब पार्वती जी कहती है कि मैं रास्ता बताता हूं, आप तो भगवान है, आपको तो सभी मानते, आप जाके किसी से कुछ भी पूछेंगे तो दे दे। तो पार्वती जी कहती है किससे क्या पूछना है, रामाद्या जय मे दिनिम धनपते, रामाद्या जय मे दिनिम धनपते बीजम बलात् लांगलम। राम जी के पास जाइए, राम जी उस समय राज्य कर रहे थे, तो उस समय की कथा, तो राम जी के पास जाइए, राम जी को चक्रवर्ती राजा है, उनके पास जाकर के थोड़ी सी जमीन मांग ली, रामाद्या जय मे दिनिम, खेती करने के लिए जमीन चाहिए ना, जाके पूछने से वो तो दे देंगे आपको, तो रामाद्या जय मे दिनिम, और तो जमीन मिल गया। फिर बीज चाहिए बोने के लिए, तो धनपदे बीजम, बीज कुबेर के पास रहता, हम जो बीज आदि बोते हैं इसके देवता कुबेर को मानते हैं, धन की देवता कुबेर है, तो कुबेर के पास जाकर के बीज मांगे, क्योंकि आपको सब परिचित है ना, आप तो बहुत बड़े हैं, आप कोई पूछेंगे तो दे दे, तो कुबेर के पास बीज मांगे, बोलते हैं कि अब हल चाहिए, हल कैसे कहां से मिलेगा, तो बोल रहे हैं बलराम मा बलाद लांघलम, बलराम जी के पास जाकर के हल मांगे, वो हल लेकर के घूमते हैं, बोले दो चार दिन के लिए हल दे देना, हम तो खेती करना चाहते हैं, ऐसे करके पूछिए तो हल भी दे देंगे। तो रामाद्या जय मे दिनिम धनपदे बीजम बलाद लांघलम, प्रेदेशात्मैषं तवास्ति वृषभ फालं त्रिशूलं तव। अब एक बैल तो नंदी तो आपके पास है, अब हल जोतने के लिए दो चाहिए, तो आप यम के पास जाना, काल के पास, काल के पास एक है ना भैंसा है, तो उसको पूछ लो तो वो एक दे देंगे, तो एक भैंसा हो गया, एक बैल हो गया, अब वो दोनों को जोड़ दीजिए। तो प्रेदेशात महिषम तवास्ति वृषभा, आपके पास बैल है तो दोनों हो गया, अब जो है उसको जोतने के लिए बीच में बांधना पड़ेगा ना, हल भी हो गया उसको बीच में बांधना है दोनों बैल को, उसके लिए एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, बोला वो त्रिशूल लगा देना, अब वो त्रिशूल तो उस समय काम का नहीं है, तो त्रिशूल बीच में लगा दो दोनों के पीछे, और हल बीच में लगाया, दो बैल हो गया, अब जमीन भी हो गया, बीज भी हो गया, सब तैयार हो गया खेती के लिए, इतना ही करना है। बोले बात तो सही है, जब हम खेती करेंगे तो खाने पीने की व्यवस्था, तो खेती करेंगे तो थक जाएंगे, थोड़ा पानी चाहिए, बीच में कुछ नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, कौन लाए। बोले उसकी व्यवस्था तो मैं करता हूं, अब जितना मैं मांग करके ला रही हूँ, एक दिन थोड़ा ज्यादा मांग के लाएंगे करेंगे। बोला कि वो तो हो जाएगा,
किंतु बाद में ये बैल को खिलाना, ये जो भैंसा है इसको खिलाने पिलाने देखभाल कौन करेगा? बोल तो वो बच्चे लोग है ना, मेरे गणेश जी है, कार्तिकेय है, ये उसको करेंगे। तो खिन्नाहं तव भिक्षया कुरु ऋषिं गौरी वजपादुवः, मैं भिक्षा करके बहुत तकली, खिन्नाहं तव भिक्षया, आपके लिए भिक्षा ला ला करके मैं थक गई हूँ, अब आप कृपा करके खेती करना शुरू करिए, अब जो कुछ भी व्यवस्था है हो जाएगी और हम बाद में आपको अपने परिवार हम संभालेंगे इस प्रकार। इसीलिए ये ध्यान भजन छोड़ दीजिए, अब ग्रस्त बनने के पहले ये सब करना था, बाद में ये सब नहीं करना है। ऐसे करके पार्वती उनको आशीर्वाद देती, बाद में कहती है गौरी वजह पादुआ कि मैंने जो कुछ कहा ये आप इसी प्रकार करिए, सब लोग सब दे देगा आशीर्वाद, मतलब जो कुछ कहा वो सब हो जाएगा, ऐसे पार्वती का वचन है। तो इस प्रकार की स्थिति का वर्णन कर रहे कवि वहां, तो ऐसे विरक्त है तो स्वात्मारामम, अपने में आराम है तो वहां कोई विषय मृग तृष्णा नहीं होती है, इसीलिए भगवान अपने स्वरूप में विरक्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है इसलिए विरक्त है, ऐसा नहीं, इसलिए दोनों प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। आगे का वर्णन फिर देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री सोमनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।